हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गर्व पांडुपुत्र। दोस्तों चलिए एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को अपने मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। मंदिर पे तो दिया जल चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मम्मी ने आज पूजा कर ली है और भाई भी यहाँ पे बैठा हुआ है। आज भाई भी उठ चुका है दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा भाई भी उठ चुका है। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन पे तो मम्मी अभी यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो कि कुछ बना रही है। आगे बताऊंगा मैं आपको क्या बना रही हूँ, उससे पहले मैं आज आपको अपडेट देता हूँ मौसम का। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने छत पे जहाँ से आपको द्वारहाट का मौसम का अपडेट मिलता है डेली। तो चलिए फिर मौसम की बात करें तो मौसम में आज आपको सबसे क्लियर धूप है। आज बादल हैं बट उतना दम नहीं है बादलों में जो सूरज की रोशनी को रोक सके। मम्मी ने सुबह सुबह ही धूप आ चुकी है तो मम्मी ने यहाँ पे सुखा दिया जो भी हमारा मिर्च और वो जो तिल थे। तो दिखाते हैं चलिए फिर मौसम द्वारहाट का आज कैसा है। दोस्तों मौसम का अपडेट तो आपको मिला होगा जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है द्वारहाट का मौसम कैसा है। तो और जिम्मी से भी आपको मिलाते हैं। तो जिम्मी यहाँ पे बैठ चुका है दोस्तों, आप देख रहे होंगे अभी तक ये यहाँ पे बैठा हुआ था बट थोड़ा ठंड लगने की वजह से अब धूप लेने आ चुका है यहाँ पे। तो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं मम्मी क्या बना रही थी कढ़ाई में। दोस्तों पहुँच चुके हैं किचन, तो चलिए फिर दिखाता हूँ मम्मी क्या बना रही थी किचन पे कढ़ाई पे उस टाइम पे मैंने बोला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी सूजी बना रही है दोस्तों, जो कि अभी ब्रेकफास्ट में खाएंगे हम। तो आज बनी है दोस्तों सूजी जो कि मेरी फेवरेट है, बन चुकी है दोस्तों सूजी। अब खाएंगे प्यारी प्यारी सूजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी ने निकाल दी है, तो बस अब वेट है तो इसको प्लेट में रखने का है और उसके बाद प्लेट में जाने का वेट रहेगा दोस्तों। फाइनली दोस्तों आज की यहाँ पर सूजी आप लोग देख लूँगे मम्मी ने बना दी है, मेरी फेवरेट डिश। तो चलिए फिर अब ब्रेकफास्ट करने की बारी आ चुकी है और आप देख सकते हैं मैंने उसको कितने अच्छे से सर्व किया हुआ है और मैंने ही इसके टुकड़े बनाए हैं। तो आज मैंने काटा है दोस्तों सूजी का केक, आप लोग देख लोगे मेरे टुकड़ों को देख के, तो बहुत टेस्टी हो रही है दोस्तों सूजी इस तो की मतलब अभी खाई नहीं अच्छे से। तो चलिए फिर अब खाते हैं दोस्तों, ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अभी तो यहाँ पर हम बंदरों की रखवाली के लिए आए हुए हैं दोस्तों छत पर, आपको डेली बंदर दिखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों बंदर भगा के अंदर आ चुके हैं, मतलब मम्मी तो आ चुकी थी क्योंकि मम्मी ने अभी तक खाना बनाया अंदर का। तो अब यहाँ पे बन चुका है खाना, खाने पे आज बने हुए हैं दोस्तों बेसन के डुबके और चावल। तो अभी खाते हैं खाना और खाना खाने के बाद का प्लान दोस्तों हमारा ये है कि आज का हम आज द्वारहाट में गणेश विसर्जन होने वाला है। तो मूर्ति को लेके यहाँ से चकुटिया जाते हैं विसर्जन के लिए, रामगंगा है दोस्तों वहाँ पर। तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पर कि मूर्ति विसर्जन के लिए द्वारहाट में कैसा माहौल बना हुआ है द्वारहाट में और कितनी भीड़ यहाँ से द्वारहाट में मूर्ति विसर्जन के लिए चकुटिया जाती है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आज आपको बहुत इंटरेस्टेड जगह लेके जाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। आधे से स्किप मत कर देना वीडियो को। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर लगा रही मम्मी खाना, खाना खाते हैं उसके बाद ही वहाँ पर जाएंगे। तो लग चुका है खाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन की डुबकी और चावल। तो चलिए फिर खाते हैं और फिर फाइनली दोस्तों खा लिया है खाना। तो अब करते हैं जल्द से कपड़े चेंज और फिर मिलते हैं आपको, क्योंकि बहुत जल्दी विसर्जन के लिए यहाँ पर से मूर्ति ऊपर को तो जा चुकी है हमारी एरिया से बट अब डायरेक्टली चकुटिया के लिए जाने वाली है। तो अब रेडी होते हैं और थाली रख देते हैं यहाँ पे, फिर मिलते हैं आपको। फाइनली दोस्तों रेडी हो चुके हैं हम यहाँ पे और थोड़ी मेरे शूज़ थोड़ी यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है दोस्तों। तो चलिए फिर थोड़ा ब्रश मार लेते हैं, उसमें गीला काम चलाओ तो ये होता है। फिर चलते हैं आगे को है। ये दोस्तों शूज़ मेरे आप देखते बहुत गंदे हो चुके थे जो कि इसमें हल्की ब्रश मारने पड़ते हैं मुझे। घर से इतनी जल्दबाजी में निकला था कि मम्मी के पाँव छूने और मम्मी से बाय कहना भी भूल गया। तो मम्मी वहाँ पर से देखी है तो मम्मी को बाय बोलते हैं, बाय बाय। तो मम्मी ने बाय कर दिया है और जो मेरा फ्रेंड है वो यहाँ रहता है। तो अब हेलमेट एक ही है। तो आ चुका है मेरा फ्रेंड यहाँ पर, साथ में नहीं गणेश विसर्जन के लिए चलना है दोस्तों। तो चलते हैं फिर आपको डायरेक्टली, आप आगे दिखाएंगे गणेश मूर्ति के सामने। पहले निकल चुके हैं यहाँ से अपने घर से मूर्ति विसर्जन के लिए द्वारहाट से चकुटिया की तरफ को। अभी तो फिलहाल हम द्वारहाट स्टेट बैंक को क्रॉस कर रहे हैं, अभी मार्केट हमने क्रॉस की भी नहीं है। तो उससे आपको दिखाते हैं दोस्तों गणेश मूर्ति को द्वारहाट की, जो हम गाड़ी के नज़दीक जा रहे हैं। तो आप देखिएगा गणेश द्वारहाट गणेश मूर्ति को। तो मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ दोस्तों।
तो अभी यहाँ पे फिलहाल गणेश जी के भक्तों को यहाँ पे टीका लगाया जा रहा है और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बच्चे जो हैं गणेश जी के भक्तों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं दोस्तों, और जो है गुलाल का टीका लगा रहे हैं। और सामने से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रंग में गणेश जी के भक्त रंगे हुए हैं, पूरे गणेश जी के रंग पे यहाँ पे भक्तों को आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है और टीका लगाया जा रहा है। हम तो निकल चुके हैं द्वारघाट से चकुटिया की तरफ, और अभी जो गणेश वाली गाड़ी है वो थोड़ी पीछे है अभी, क्योंकि जिस बाइक में जा रहे हैं दोस्तों उसमें तेल होना भी ज़रूरी है, तो तब तक तेल भरवाते हैं आगे पेट्रोल पंप से। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों पेट्रोल पंप द्वारघाट के, आपको मेरे पीछे दिखा होगा, तो उसमें चलते हैं थोड़ा और इसमें तेल भरवाते हैं, तभी चलेगी दोस्तों गाड़ी जब तेल होगा गाड़ी के अंदर। तो अब आ चुका है भाई का नंबर जिस बाइक पे हम जा रहे हैं, तो भाई तेल भरवा रहा है अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो अभी आ चुके हैं दोस्तों हम द्वारघाट के चकुटिया बैंड पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है चकुटिया और रैकेत। तो हमने नीचे वाली रोड पे चलना है, तो इस रूट पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अभी तो पीछे से आ चुकी है गणेश जी की गाड़ी, इसमें गणेश जी विराजमान है और हम थोड़ा आगे वेट कर रहे हैं। आप म्यूज़िक सुन रहे होगे मेरे पीछे से, तो बस कुछ ही देर बाद हमने भी यहाँ से निकलना है। बहुत एक्साइटेड है दोस्तों वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ का माहौल ही कुछ इस तरीके का होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गणेश के भक्तों को, गणेश जी के भक्तों को पूरे मस्त होते हुए भक्ति में। तो इनको निकलने दोस्तों, इनको निकलने देते हैं दोस्तों पीछे से, और फिर मिलते हैं आपको आगे। ये गई हमारी फर्स्ट गाड़ी और ये गई दोस्तों गणेश जी की गाड़ी, तो हम भी निकलेंगे इसके पीछे पीछे। और इसमें है औरतों की पब्लिक दोस्तों, देख सकते हैं आप पीछे से औरतें अंदर ढोलक पे लेके कीर्तन गाते हुए जा रही हैं। इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं दोस्तों सारी, इसमें औरतें हैं। हम भी निकलते हैं दोस्तों, निकल चुके हैं दोस्तों हम भी यहाँ से, क्योंकि जस्ट आगे अभी गई हुई है गणेश जी की गाड़ी जिसमें गणेश जी विराजमान हैं। तो हम भी चलते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट जाके कोई फ़ायदा नहीं है, अगर उसी गाड़ी के पीछे चलेंगे तभी कुछ मज़ा आएगा दोस्तों। तो आपको भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी की लाइन यहाँ पर हमारे आगे लगी हुई है, गणेश जी के भक्त जा रहे हैं, तो हम भी शामिल हो चुके हैं गणेश जी के भक्तों में। तो चलते हैं अभी यहाँ से, देख सकते हैं दोस्तों गाड़ियों की लाइन पर अब हम भी शामिल हो चुके हैं। सुन सकते हैं आप ढोलक की आवाज़ और चिमटा लेके यहाँ पर आंटी लोग। आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या ही यहाँ पे माहौल बना हुआ है। आप तो आप देख सकते हैं कितनी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, एक के पीछे एक यहाँ पे गणेश जी के भक्त आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे पीछे जस्ट। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, और गाने के साथ माहौल तो फिर क्या ही नेक्स्ट लेवल बन रहा है दोस्तों, आपको पता ही है। देख सकते हैं दोस्तों आगे वाली गाड़ी में बच्चों को पूरा मस्त होके यहाँ पे गणेश जी के विसर्जन में, आप समझ सकते हैं दोस्तों ये गाने में क्या ही माहौल बनता है। तो हम भी इस रंग में रंग चुके हैं दोस्तों। आज सुबह मेरा ये प्लान बना नहीं था दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में मेरा ये प्लान बना होता तो मैं आपको बता देता। आज हमने गणेश विसर्जन में जाना है, रिसेंट में ये प्लान बना तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे ही मैंने सुना कि हमने विसर्जन में जाना है तो ऐसे ही बहुत था दोस्तों जाने के लिए। तो जितना हो सकता है मैं आगे आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जाते हुए। मैं आगे आ चुके हैं दोस्तों, गाड़ी पीछे रह गई है, तो चलते हैं आपको वहीं पे दिखाते हैं दोस्तों, हम जा तो वहीं रहे हैं। वहाँ पे जाके काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों लाइन पर लाइन आपको गाड़ियों की यहाँ पर दिख सकती है, मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको दिख रहा होगा द्वारघाट का गणेश विसर्जन का ये सीन। गणेश जी के भक्त आगे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे पूरे रंग में रंगे हुए। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों महाकालेश्वर पे, जहाँ पे भागवत कथा चल रही है, श्री भगवचंद जोशी जी व्यास से यहाँ पे
तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे भागवत कथा चल रही है। यह है शिव मंदिर यहाँ पे महाकालेश्वर का, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों हम पहुँच चुके चुकटी की मार्केट पे, तो यहाँ पे अभी भाई का कुछ काम है, तो भाई काम के लिए आया हुआ है इधर पे। तो अभी मूर्ति की गाड़ी तो पीछे ही रुकी हुई है, तो हमारे यहाँ पे कुछ काम है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर रुकना पड़ा थोड़ा। तो जैसी मूर्ति की गाड़ी आती है फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो अभी भाई यहाँ पे काम के लिए गया हुआ है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके अपनी जगह पे। आपको मेरे पीछे जो मंदिर वहाँ पे आपको मैंने जस्ट अभी दिखाया हुआ है, वो है अग्नेरी का मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कल बहती हुई गंगा माँ यहाँ पे। तो यहीं पे गणपति जी का विसर्जन होना है। हम तो पहुंच चुके हैं दोस्तों, बट को मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, तो ये रहा माँ अग्नेरी का मंदिर, जिसके नज़दीक हम जाते हैं और आपको माँ अग्नेरी के दर्शन यहाँ पर कराएंगे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माँ अग्नेरी के मंदिर में, जो कि आपको अभी मेरे पीछे उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं आपको उसको बैक से पूरा माँ अग्नेरी का मंदिर आपको दिखाता हूँ। मैं एक एक करके अंदर आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद पहुँचते ही होंगे हमारे गणेश भक्त जो कि अभी तक पहुँचे नहीं है। तो पहले आपको मंदिर के दर्शन करवा देते हैं माँ अग्नेरी के। तो ये रहा दोस्तों चकुटिया का प्रसिद्ध माँ अग्नेरी का मंदिर। शूज़ उतार लिए हैं, तो अब चलते हैं आपको माँ अग्नेरी के दर्शन कराने के लिए मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रहा माँ अग्नेरी का मंदिर, जो कि काफ़ी फैला हुआ है दोस्तों। आप जहाँ तक मेरी नज़र आ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी माँ अग्नेरी के, आपके दर्शन आते होंगे। तो चलते हैं आपको अंदर लेते हैं, माँ अग्नेरी के दर्शन कराते हैं आपको भी। ये दोस्तों वो सीढ़ियाँ जहाँ से हमने अंदर प्रवेश करना है, और ये रहा माँ का दरबार, माँ अग्नेरी का दरबार। तो चलते हैं अब यहाँ अंदर। तो जय माँ अग्नेरी। तो दोस्तों हमने मंदिर में एंट्री ले ली है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो फर्स्ट में हम माँ अग्नेरी के दरबार पर चलेंगे, जो दरबार आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, माँ काली का, माँ अग्नेरी के नाम पर प्रसिद्ध ये दरबार माँ काली का मंदिर यहाँ पे है। तो चलिए फिर माँ के दर्शन आपको करवाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे माँ अग्नेरी का मंदिर ये रहा, जैसे मैंने आपको बैक कैमरे से पहले दिखा दिया है। तो मैं भी अब यहाँ पे थोड़ा माँ के सामने अपनी मनोकामनाएं रखता हूँ, ताकि मेरी भी मनोकामनाएं माँ पूरी करे दोस्तों। फाइनली दोस्तों अब हम माँ के दरबार से बाहर को आते हुए फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं यहाँ पर गणेश भक्त गणेश जी को लेने लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे गणेश जी को माँ गंगा पे विसर्जित करने के लिए अब गाड़ी से नीचे उतार रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद अब गणेश जी यहाँ पे माँ गंगा पे विसर्जित होंगे, तो जैसे कि अभी उन्हें गाड़ी से उतार रहे हैं, इसके बाद वहाँ पे उनकी आरती करी जाएगी और उसके बाद ही उन्हें गंगा में विसर्जित किया जाएगा। और भीड़ आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हुई है जो उठाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं गणेश जी के भक्तों का जुनून यहाँ पे मूर्ति को उठाने के लिए, और भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा है। ये दोस्तों उठ चुके हैं यहाँ पे गणपति महाराज, और या आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से गणेश जी को उठा दिया है, क्योंकि अब यहाँ से नीचे को लेके आएंगे दोस्तों। दोस्तों गणेश जी यहाँ पे जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो आपको दिख रहा होगा गणेश जी को गाड़ी से उतार के यहाँ पे माँ गंगा के स्थान पे ला गया है, और यहाँ पे अब उनकी आरती की जा रही है। तो अभी दिया जलाया जा रहा है, तो दोस्तों जैसे जैसे आगे की प्रोग्राम होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और भीड़ देखिए आप दोस्तों, जहाँ पे आप नज़र डालेंगे वहाँ पर आपको भीड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर गणेश जी की आरती का टाइम हो चुका है, तो आप दिया जल चुका है दोस्तों, दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस। फाइनली दोस्तों दिया जल चुका है। जय मोरिया मोरिया। फाइनली दोस्तों गणेश जी की आरती यहाँ पे हो चुकी है। गणपति बाप्पा मोरया।
गणेश जी को अब यहाँ पे विसर्जित करने के लिए उठा लिया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और अब गणेश जी यहाँ पे गंगा की गोद में विराजमान होने के लिए जाते हुए आप लोग देख सकते हैं। ये रही गणेश भक्त विसर्जित के लिए ले जाते हुए दोस्तों गणेश महाराज की जय। तो गणेश जी अब यहाँ पे माँ गंगा के गोद में जा चुके हैं दोस्तों। जैसे तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे गणेश जी माँ गंगा के गोद में विराजमान हो चुके हैं। और अब यहाँ पे गणेश जी भक्त यहाँ पे स्नान करते हुए आपको दिख रहा होगा। और मूर्ति बहुत नीचे जा चुकी है दोस्तों डायरेक्टली। और अब यहाँ पे माँ गणेश के भक्त माँ गंगा में स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। फाइनली दोस्तों यहाँ पे मूर्ति का विसर्जन हो चुका है। मूर्ति है तो चलते हैं अब अपने घर को। हम भी यहाँ पे से थोड़ा बहुत, अभी जो मेरा पार्टनर है वो पुल पे जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्टली हम घर पे जाएंगे। जितना हो सका था मैंने आपको यहाँ का सीन दिखा दिया है, तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों रोड पर। जितनी भी पब्लिक थी यहाँ पर जा चुकी है घर को, तो अब हम भी कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। हम भी अब माँ अग्नेरी के मंदिर को यहाँ पे से अलविदा कहते हुए और माँ गंगा को अलविदा कहते हुए चलते हैं अपने घर की तरफ। फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अंदर घर। तो आज का ब्लॉग कर देते दोस्तों यहाँ पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।